जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या राम रहीम के केस में वांछित हनीप्रीत की हत्या तो नहीं हो चुकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार तथा सूत्रों के अनुसार हनीप्रीत को जान का बहुत खतरा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। राजनेताओं की जानकारियां भी हैं, राम रहीम की जानकारियां भी हैं, तो उसे दो तरफा जान का खतरा है। जहां राम रहीम के करीबी रह चुके और उसके दुश्मन दोनों मिलकर हनीप्रीत का कत्ल करवा सकते हैं, वहीं राजनेता जिनका संबंध राम रहीम के साथ रहा है और वहां से उन्हें असीमित सहायता प्राप्त होती रही है, और जो अपराधों में वांछित भी रहे हैं और जिनके पास अपराधों की जानकारियां भी हैं, और वह सारी जानकारियां क्योंकि हनीप्रीत के पास हैं, इन सब से हनीप्रीत को बहुत अधिक खतरा है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। और सूत्रों के अनुसार तो ये भी कहा जा रहा है कि यहां तक संभव है कि हनीप्रीत की हत्या हो चुकी हो। तो एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से मांग भी की गई है कि हनीप्रीत की हत्या तो नहीं हो चुकी, इस दिशा में भी कदम बढ़ाने चाहिए और इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए, इसकी भी जांच करनी चाहिए कि आखिर हनीप्रीत गई तो गई कहां। जब पुलिस ने और सरकार ने मिलकर उसको भेजा तो फिर वो किसी दूसरे ठिकाने तक पहुंची क्यों नहीं, और फिर किसी को कोई फोन नहीं आया और किसी को वो दोबारा मिली नहीं, आखिर क्यों। सवाल यहां उठता है कि जब सरकार और पुलिस द्वारा उसे भेजा गया, उसके बाद उसको कहीं भी नहीं देखा गया, तो बहुत सारे राज, बहुत सारे अपराध, बहुत सारे दुखद अपराध हनीप्रीत के मिलने के बाद खुल सकते हैं, इसलिए उसका कत्ल हो सकता है। इस दिशा में सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसमें कोई सच्चाई तो नहीं है।